महाराजपुर में श्री रामचंद्र भगवान के 200 साल से अधिक प्राचीन मंदिर में हर बार की तरह इस बार भी दशहरा के मौके पर श्री प्रभु श्री राम की महाआरती की गई। जगह जगह नगर में विराजमान माँ दुर्गा को दसवीं के दिन विसर्जन करने से पहले नगर में कलश यात्रा के साथ रैली निकाली गई। सब्जी मंडी में स्थित माँ दुर्गा का पंडाल और अंतिम दिन की रैली पूरे नगर के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहाँ के पंडाल को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों के लोग आए हुए थे। रामदेव बाबा ने बताया कि महाराजपुर में श्री राम जी का यह प्राचीन मंदिर बड़े मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ प्रभु श्री राम की महाआरती के बाद लोगों को प्रसादी वितरित की जाती है। वहीं लंकापति रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। आज हर वर्ष की भांति दशहरा के 100 अवसर पर भगवान राम जानकी मंदिर में भगवान की महाआरती की जाती है, क्योंकि भगवान ने आज दुष्टों का श्रृंगार किया था, रावण जैसे बड़े बड़े राक्षसों का श्रृंगार किया। इस लिए भगवान राम जानकी मंदिर में भगवान की महाआरती की जाती है। ये प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। कितना प्राचीन मंदिर है, कब से हो रहा है ये? कम से कम 200 साल पहले मंदिर का पहले मंदिर है। कितने वर्षों से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है? ये हो रहा है 11 वर्ष से। 11 वर्ष प्रति वर्ष दशहरा के 100 अवसर पर हमारे यहाँ पे महाआरती का आयोजन किया जाता है। दशहरा मेला होता है,